अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। गुंजिया बोलते हैं इनको, गुंजिया की रेसिपी है ये। बहुत मज़े की बनती है और आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी, करारी और खस्ता बनेंगी। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे बनती है ये। वेलकम टू माई चैनल ज़ायका फूड दस्तरखान। तो इसके लिए मैंने ले ली है हाफ कटोरी या हाफ कप कह लें सूजी। सूजी को मैंने छान लिया और 2 कप लिया है मैंने मैदा। अब मैदे को भी छान लेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है घी। 4 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया इसके अंदर और घी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मोयन करना कहते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है, साफ सादा जो होता है पानी। और इसको भी एक आटा जैसे डो गूंदते हैं इस तरह का डो गूंद लेना, थोड़ा सा मैंने टाइट गूंदा है। और अब इसको एक तरफ ढक के रख देंगे और इसकी स्टफिंग की तैयारी करूँगी मैं। अब ये ले लिया मैंने पैन और पैन में मैं डाल दूँगी मैंने क्रश किया हुआ कद्दूकस कर लिया था, खोया, थोड़ा सा खोया है ये। इसको भून लूँगी और इसको भूनते टाइम जब इसमें अच्छा सा ये गीला गीला सा होने लगेगा तब मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी अपनी पसंद के हिसाब से। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच के करीब काजू बादाम चिरौंजी ले लिया और थोड़े से ये मगज थे मेरे पास, ये भी डाल दिए। आप चाहें तो किशमिश भी डाल दें। और अब मैंने डाल दिया है ये कोकोनट, जो घर का रेगुलर कोकोनट होता है उसको मैंने मिक्सी में निकाल लिया था और उसको डाल दिया है अच्छे से इसके अंदर 4 चम्मच के करीब, वो क्योंकि सबसे अच्छा फ्लेवर जो लगता है कोकोनट का ही लगता है इसके अंदर। और इसके बाद अब इसको ठंडा, जब ये भून जाएगा ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लूँगी मैं और चीनी बाद में ऐड करूँगी इसके अंदर। अभी गर्म है, मेल्ट हो जाएगी चीनी और वापस से आटे की तरफ आते हैं। और आटे को अच्छे से एक बार और घील के हाथ से मसल लेते हैं, इसको तेल या घी के हाथ से और मसल के रख देते हैं। अब मैं इसके, नहीं ठंडा हो गया तो मैं इसके अंदर मिला देती हूँ चीनी। चीनी मैंने 4-5 चम्मच के करीब इसके अंदर मिलाई थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितनी आपको पसंद है। और हाँ, इसके अंदर मैंने हरी इलायची आटे में भी और इस जो मैंने ये तैयार करी है इसकी फीलिंग इसके अंदर भी मैंने चीनी ऐड की थी, तो हरी इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब इसको एक रोटी की तरह बेल लेंगे, पतला, ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, बस ठीक ठाक सा इसको बेलना है, मोटा ना पतला। और इसको किसी भी आप कटर से या फिर गिलास कटोरी से किसी से भी आप कट कर लें इसको और आसानी से ही निकल जाता है इस तरह से। अब इसकी ये सारी साइड्स निकाल लेंगे और इस पर पानी, साइडों पे पानी लगा लूँगी मैं, पानी से ये खुलेंगे नहीं। अच्छे से पानी लगा लेना और इसके अंदर ये फीलिंग भर लेना जो फीलिंग तैयार की थी हमने खोया और ड्राई फ्रूट्स की। और इसको इस तरह से आप बंद कर देना, सील कर देना। और अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड में भी डाल के इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कांटे से एक अच्छी शेप देने की ट्राई किया है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इजी हो जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी शेप बन के आई है इसकी, ये बहुत ही खस्ता बनेंगी क्योंकि मैंने इसमें घी डाला है, घी से बहुत अच्छा कुरकुरापन आ जाता है। और अब मैंने ये एक और ले लिया है, इसको इसके अंदर भी इस तरह से फीलिंग भर दूंगी और दोनों पे मैंने साइडों पे पानी का हाथ लगा लिया है और इस तरह से इसको सैंडविच की तरह बंद कर दूंगी। और इस पे भी मैं कांटे से निशान लगा दूंगी फॉक से, तो ये दूसरी शेप बन के तैयार हो जाती है। आप भी इस तरह से बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा बनाना। और अब ये सारे बनके तैयार हो चुके हैं मेरे, लगभग मैंने एक एक करके आपको दिखा दिए हैं बना के दोनों शेप्स। आप इस तरह से बनाएंगे, थोड़े से इस तरह से बनाएं, बाकी गुंजिया बनाई है मैंने। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया है पैन के अंदर और इनको मीडियम हीट पर मैं फ्राई करूँगी। स्लो भी नहीं है और हाई फ्लेम भी नहीं है, बस मीडियम हीट पे मैं इसको फ्राई करूँगी। जब इनका अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन,
अगर मैं तेज़ पे करती हूँ तो ये तेज़ पे ऊपर से तो सिक जाएंगे, लेकिन अंदर से ये थोड़े कच्चे भी रह सकते हैं, तो इसलिए आप मैदा कच्ची रह जाएगी तो आप इसको मीडियम पे ही फ्राई करें, और जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इनको निकाल लेना। अभी लाइट गोल्डन है, थोड़ा और डार्क आ जाएगा तब मैं इनको निकाल लूँगी। इस तरह का सारी इसी तरह से हो जाएंगी ये। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और आप इस दूसरी वाली भी इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी जो दूसरी शेप्स की बनाई थी मैंने। बहुत ही अच्छा कलर निकल गया है इनका। ऊपर से मैंने पिस्ते डाल दिए थे थोड़े से इसके ऊपर, और चांदी का वर्क लगा दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर, आपको अगर चाशनी में डिप करना है तो आप यहाँ पे चाशनी बनाकर इनको चाशनी में भी डिप कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से चाय से आप अगर सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े की लगती है। मैंने इन्हें बिना चाशनी के ही बनाया है, बहुत ही अच्छी और खस्ता करारी बनी थी ये। आप इनको किसी भी डब्बे में, टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।